हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IRF स्टूडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से शर्ट का कॉलर का पैटर्न कटिंग होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या करना है। यहाँ ऊपर से आप एक स्ट्रेट मार्का मार लीजिए इस तरह से। अब ये देखिए, ये जो हमारा कैनवस है, ये जो हमारा बकरम है, ये इस तरह डबल है। तो ये डबल करके आपको एक स्ट्रेट मार्का लगा लेना है। और स्ट्रेट मार्कर लगाने के बाद जितना हमारा कॉलर है, जैसा कि हम इसमें आपको 15 इंच कॉलर का दिखा रहे हैं, 15 इंच का कॉलर 15 इंच है, तो जितना भी कॉलर है उसका हाफ कर लीजिए, उसका आधा कर लीजिए। 15 का आधा करेंगे हम, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच। ये देखिए 7.5। यहाँ नीचे भी आपको एक 7.5 पे मार्का लगा लेना है और इस मार्का को आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब दोस्तों, ये जो मार्का आपको स्ट्रेट करना है, ये यहाँ से 4 से 4.5 इंच तक कीजिए। अब देखिए, यहाँ से पहले हम सबसे पहले बैंड कट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 1 इंच पे मार्क लगाना है आपको, 1 इंच पे। यहाँ भी एक 1 इंच पे मार्क लगा के इस मार्किंग को भी आप स्ट्रेट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको भी आप स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ ऊपर से आपको 1 सेंटीमीटर, आधा इंच में एक सूत कम, हाफ इंच में 1 पॉइंट कम आपको यहाँ एक मार्का लगाना है इस तरह से। और फिर यहाँ से 3/4 पौना इंच पे एक मार्किंग लगाना है इस तरह से। यहाँ पे आपको 1.5 इंच, 1.5 इंच पे एक मार्का लगाना है इस तरह से। और यहाँ आधा इंच, हाफ इंच पे हम एक मार्किंग लगाएंगे। सेप स्केल लेना है आपको। और देखिए, ये जो हमने मार्का लगाया है यहाँ 1.5 इंच, इस मार्का को आपको इस तरह शेप कर देना है। देखिए सेब स्केल से जिस तरह मैंने सेब स्केल बैठाया है, आपको इसी तरह बैठाना है। फिर इसको इस तरह पलट लेना है। और ये पलटने के बाद यहाँ जो हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर से लगाया है, वहाँ आपको इसमें शेप कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों, यहाँ से आपको 7 इंच पर मार्का लगाना है, 1 इंच 1/4। और फिर इस सेब स्केल से देखिए, यहाँ ये जो हमने 1.25 इंच पर मार्का लगाया है, इस मार्का में इस तरह रखना है। और यहाँ आपको इसको शेप कर देना है इस तरह से। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। आप ये 2 इंच भी लगा सकते हैं, 2.25 इंच भी लगा सकते हैं। मैं 1.25 इंच ही लगाता हूँ, 1.25 इंच। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ से आप जितना आपको कॉलर ब्रॉड देना है, जितना आपको चौड़ा देना है, उतना आपको यहाँ लगाना है। जैसे कि अगर आपको कॉलर चौड़ा नहीं देना है, ब्रॉड नहीं देना है, तब आप 2.25 इंच लगा सकते हैं। आप 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। और अगर आप टाई कॉलर बना रहे हैं, तो टाई कॉलर में आपको 3 इंच और कम से कम 1.75 इंच लगाना है। तो चलिए, हम इसमें 1.75 इंच आपको लगा के दिखा रहे हैं, 2 इंच 3/4 इस तरह से। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको 1.5 इंच, यहाँ साइड से यहाँ 1.5 इंच ऐसे लगा के, और ये मार्का आपको स्ट्रेट कर लेना है। साइड से 1.5 इंच हटा के आपको ये मार्का स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इस सेब स्केल को आपको इस तरह बैठाना है। ये जो हमने साइड से 1.5 इंच यहाँ हटा के लगाया है, आपको इसी में बैठाना है। तो देखिए, ये आपको इस तरह से लगा लेना है। यहाँ आपको 1/2 इंच में मार्का लगाना है, आधा इंच पे। आधा इंच हम यहाँ क्रॉस करेंगे। आप अगर क्रॉस नहीं देना चाहते हैं तो आप इसी में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1/2 इंच क्रॉस कर देता हूँ इस तरह से। देखिए, इस तरह से आपको स्केल को बैठाना है और इस तरह ये मार्का लगा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा शर्ट का कॉलर का पैटर्न का मार्किंग पूरा रेडी हो चुका है। चलिए, मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉलर भी कटिंग हो चुका है। ये इस तरह आएगा, ये देख लीजिए, मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से आएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।